भारी प्रदर्शन हो रहा है, किसान सड़कों पे खड़े हैं, सरकार ने दो बिल पास करवा लिया है ध्वनिमत से, राज्यसभा में वो पास कर, अगले लोकसभा में पास हो चुका था, आज राज्यसभा में भी पास करवा लिया है। हालांकि इन विधेयकों को पास करवाते वक्त सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, फिर भी वो ध्वनिमत से पास करवा लिया है, जिनकी वजह से बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान विपक्ष सांसद वेल में भी जा पहुंचे थे, रूल बुका फाड़ी और माइक भी तोड़ दिया गया था। सरकार के जरिए कुछ विपक्षी सांसद के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने का विचार भी हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक हंगामे कर रहे सांसद के आमने सामने लगे गए माइक भी तोड़ दिया गया था, जिनकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद की ओर से नारेबाजी भी देखने को मिली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब से संतुष्ट कांग्रेस आम आदमी पार्टी संसद के बेल में भी जा पहुंचे थे। इसी तरह किसान विरोधी बिल पारित हो चुका है, किसान सड़कों पे है। पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी किसान, ज़्यादातर किसान अभी सड़कों पर है और आगे भी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी बताया है कि ये काला दिन है, आज का दिन सभी लोग ने काला दिन को मनाया, काला दिन की तरह मनाया गया। किसानों के विरोध में ये बिल पारित हो चुका है, किसान के जो असर होने वाला है, किसान की जो दुगनी आवक की बात करने जा रहे थे, वो आवक की बात के बाद ये अब कितनी आवक होगी ये तो आने वाला वक्त 2024 बताएंगे। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में किसान के द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा, अब या पूंजीपतियों की ओर से ये खरीद बेचान संघ शुरू हो गया है। अब किसान का जो मोल है वो किसान अपने आप पर्सनल खरीदने के लिए पूंजीपति आएंगे और वो खरीदा जाएगा। किसानों का शोषण करने वाला किसान बिल राज्यसभा तानाशाह के तरीके से पास किया गया है। संसद से लेकर सड़क तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे। इसी तरह मोदी जी और राजनाथ सिंह तोमर जी को भी चुनौती दे रहे हैं लोग, झूठ बोलना बंद करें, बरगलाए मत। अब यह कानून लिखने को तैयार है कि किसके किसान को MSP देना अनिवार्य होगा इस कानून में, क्या ये जवाब देंगे? जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी। अगर किसान को MSP नहीं मिलेगा तो सरकार MSP देने की गारंटी लेगी। ये दो बात कांग्रेस ने बताया है कि ये दो बात आपको बता देनी चाहिए इस कानून में, बाहरी नहीं। MSP का देने वाला कंपनी के सजा क्या प्रावधान होगा? जो MSP ना दे उसी को सामने क्या किया जाएगा? इसी तरह अलग अलग किसानों के अलग अलग संगठनों भी 62 से ज़्यादा संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे, पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर से लेकर हाथ में चलते हुए झंडा लेकर और ध्वज लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। मानसिकता जब तक न बदलो आज़ादी कैसी कहलाएगी? मजबूरी का हनन करने वाले को मुर्दा कहलाते। इसी तरह खेडूत जो है, किसान है, उसकी फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी किसान आज के दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित कर राज्यों की व्यवस्था पर भी वार किया है। आज का दिन ये सबसे बड़ा काला दिन की ओर से मनाया जाएगा। अगले भी नोटबंदी किया था, एक घोटाला था, GST एक चोरी है, लॉकडाउन अंधेरी में डकैती है और निजीकरण दीनदाड़े लूट है। इसी तरह किसान विरोधी बिल किसान की ज़मीन छीनकर उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहने वाला ये बिल होने की वजह से किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिन मना रहे हैं। इसी तरह जिस दिन ये देखने को मिलेगा तब तक तो वक्त बहुत निकल चुका होगा। किसान फसल बीमा कंपनी अभी लूट रही है और किसान अनजान है, नेता व अधिकारी किसान हित ध्यान नहीं देते। बीमा कंपनी ने एक जागरूक नागरिक के किसान चुप रहने के लिए 5 करोड़ का लालच भी दिया गया मगर ठुकरा दिया। जोर शोर से बीमा राशि का वितरण किसानों के खातों में आए 4, 8 और 16 रुपये। इसी तरह कंपनियां जब आती है तब किसान को जो
तकलीफ होती और किसान को लूट कर चली जाती, तो इसके सामने उसको उस कंपनी के विरुद्ध में क्या प्रावधान किया गया है, क्या सजा की गई है, ये भी देखना होगा। इसी तरह भाजपा सरकार कहती है कि किसान 70 साल में आज हुआ है, वो मैं कहता हूँ कि आज़ादी में नहीं हुआ, ऐसी बर्बादी किसानों की हो गई है। अभी वादे तो बहुत किए लेकिन कितना वादा पूरा किया ये भी एक सवाल है, आज तक का सवाल है कि ये किसान के बारे में जितने भी वादे हुए देश के लिए, ये इसमें से कितने वादे पूरे हुए ये लोग जानते हैं। अब देखिए ये बहुत विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरह पूरे इलाके में किसान विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हर घर में ये बड़ा आंदोलन चलेगा।